एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जैसे बारिश के रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। आज का ये पावन दिवस हमारे सबके लिए एक सौभाग्य का दिवस है। अध्यात्म योगी, साधना के शिखर पुरुष, उपाध्याय परवर श्री पुष्कर मुनि जी की जन्म जयंती। उपाध्याय श्री जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन भक्तों को जो उपाध्याय जी के विशेष कहते हैं कि हम उपाध्याय जी के भक्त हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उपाध्याय जी ने जीवन में जो किया कि आप करते हो, वो जप योगी थे, तप योगी थे, ध्यान योगी थे, कर्मठ योगी थे, स्वाध्याय योगी थे। एक बार नहीं, 32 आगों का स्वाध्याय 52 बार किया। तुम कितना करते हो? जो गुरु पुष्कर को मानने वाले हैं, जो भी हैं आप और मैं, क्या आप स्वाध्याय करते हो? क्या आप रोज जप करते हो? नियमित समय पर करते हो? उनके गुणगान गा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। महावीर के गुणगान गाने से मोक्ष नहीं मिलने वाला। महावीर के नाम पर संस्था बना देना और महावीर के नाम पर चादर ओढ़ लेना और महावीर के नाम पर मंदिर बना देना और महावीर के गुणगान गा लेने से मोक्ष नहीं मिलने वाला। क्या गंधर्व गौतम को मोक्ष मिल गया? भगवान महावीर के साथ छाया की तरह साथ। यदि आप पुष्कर मुनि जी की जयंती मनाना चाहते हो, उनके गुणगान करना चाहते, अपने जीवन में आचरण लाओ, उन नियत समय पर जप करते थे, तप करते थे, ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे, और कितनी पुस्तकों का उन्होंने निर्माण किया। और मैं तो उनके प्रवचन भी सुना, उनके साथ गोचरी भी की, उनके साथ हाथ पकड़ करके बाहर भूमिका पर भी गया और बहुत स्नेह दिया, जैसे युवाचार्य को दिया। और ये आपके मन में शंका कैसे? शंका मत करो किसी पर, शंका अपने पर करो कि मैं उपाध्याय पुष्कर मुनि जी को मानता हूं। मानने से कुछ नहीं होगा, जानने से कुछ नहीं होगा, उनके जीवन का एक गुण तो ले लो, एक गुण तो ले लो। और वो सूत्र तुम सुनोगे, उत्तराध्यान सूत्र, जिस एक अध्ययन से उपाध्याय जी को वैराग्य हो गया और दीक्षा की तैयारी कर ली। उत्तराध्यान सूत्र का, भृगु प्रहोत का अध्ययन, वो जा रहे थे भ्रमण करने के लिए बड़ी सादरी और लौट रहे थे विख्यान स्थल पर, प्रवचन चल रहा था उनके गुरुदेव का, तारचंद जी महाराज साहब का, विषय हुआ भृगु प्रहोत, उनकी पत्नी यशा का प्रसंग आया कि कैसे भृगु प्रहोत की कोई संतान नहीं थी और वो कामना कर रहे थे कि हमारे घर बेटा हो। उधर से देवलोक में देवों ने जो जन्म लेना था और वो चाहते थे हम उस घर में जन्म लें जो माता पिता हमें दीक्षा की आज्ञा दे रहे। देखिए ये प्रसंग मैं क्यों सुना रहा हूं। उस गुरु ने भृगु प्रहोत का घटना सुन करके वैराग्य हो गया और दीक्षा ले ली। तुम क्या उनके नाम पर बातें करते हो?
कवि सम्मेलन कर लेना, उनके गीत गाने से कुछ नहीं होगा, उनके जीवन में आचरण लाओ जैसे उनका जीवन था। कवि भृगु पुरोहित को पढ़ा है आपने? उत्तराध्यान सूत्र का 15वां अध्ययन है, 14वां अध्ययन है, पढ़ना बार बार, 36 अध्ययन आपको सुनने को मिलेंगे। भृगु पुरोहित ने देव आए, दर्शन दिए, उन्होंने कामना की हमारे घर में बेटा नहीं, ब्राह्मण का रूप बन के आए, कहा आपके बेटा तो हो जाएगा पर वो दीक्षा ले लेगा। कोई बात नहीं, दीक्षा ले लेगा तो बेटा होना चाहिए। दोनों देव जन्म लिया युगल के रूप में, और जब वो बड़े होने लगे तो पिता को लालच आ गया, मेरा बेटा दीक्षा ना ले ले, तुम दोनों को धन धन कहते हो, अच्छा महाराज धन धन, हम कहते तुम भी आ जाओ, हंसने लग जाते हो, क्यों तुम्हें धन धन नहीं चाहिए, ये जितने भी बैठे हैं कि मां के लाल नहीं है, क्या तुम्हारे घर से नहीं आए? तो भृगु पुरोहित ने बच्चों को शिक्षा क्या दी, जैन संतों के पास कभी नहीं जाना, वो गोचरी करते समय शस्त्र रखते हैं, वो आपको मार देंगे, उनके दर्शन नहीं करना, उनकी वाणी नहीं सुनना, देखो पिता का मोह। बच्चे डर गए, जब बच्चे बड़े हुए, अकस्मात दो मुनि उनके घर में भिक्षा लेने आए, भृगु पुरोहित के भिक्षा दी, अच्छी तरह दी, और कहने लगे कि मेरे बेटे वो साधुओं को मानते नहीं, उनके दर्शन मत करना, वो आ जाए तो आपको मार डालेंगे उनके पास। संतों ने कहा ठीक है, हमने क्या करना है। वही संत जंगल में जा रहे, देखा वृक्ष फल फूल से लदा हुआ है, चलो यहीं बैठ के भोजन। उधर से संयोग देखिए, प्रकृति का मिलान देखिए, दोनों बच्चे डर गए, साधु आ रहे, हमारे पिता ने कहा था संतों के पास मत जाना, बच्चे तो बच्चे थे, वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, देखते हैं क्या करते हैं ये। दोनों वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और मुनिराज ने अपने पात्र खोला, जो भोजन लाए थे वो खाने लगे, पहले ध्यान किया, वो कहती है तो कुछ कहती नहीं, पिताजी ने कहा था वो मार डालेंगे, शस्त्र होते हैं उनके पास, कोई बंदूक नहीं कुछ नहीं। नीचे उतरे, वंदन किया, आप कौन? जैन संत। पास लिया, पिता के पास आए, पिताजी आप तो कहते संत ऐसे होते, वो तो ऐसे नहीं है, हमें दीक्षा देनी है, क्योंकि तो देव थे। ऐसे पिता ने रोका, परंतु दृढ़ संकल्प किया उन देवों ने, उनके बेटे बेटी ने, और माता पिता को मारना पड़ा, राजा रानी को मारना पड़ा, 6 व्यक्तियों ने, राजा रानी ने दीक्षा ली, भृगु पुरोहित ने और उसकी पत्नी यशा ने और दो बेटों ने दीक्षा ली। ये वैराग्य हुआ उस बालक को जो पहली बार प्रवचन सुना उत्तराध्यान सूत्र का, ऐसे वैराग्य हो जाता है। तो भगवान की वाणी कितनी महत्वपूर्ण है, तुम अपने बच्चों को कहो कि जिन वाणी तुम्हारी माँ है, अरिहंत तुम्हारे पिता हैं, बच्चों को संस्कारित करो। हम बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, उनका बचपन का नाम अंबालाल था। क्यों नाम था अंबालाल? उनकी माता ने स्वप्न देखा था, एक आम का बड़ा वृक्ष देखा था। यदि कोई माँ स्वप्न देखती है, कोई साधु मुनिराज आते हैं, उनको आहार विदराती है, जम्बू स्वामी जम्बू कुमार बने, 8 कन्याओं को छोड़ करके दीक्षा ले ली और मोक्ष पधारे, ऐसे जम्बू जामुन का वृक्ष देखा था, उनका नाम जम्बू कुमार पड़ा। ऐसे माँ ने आम का वृक्ष देखा था, उनका नाम अंबालाल पड़ा। वही अंबालाल छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद ऐसे गुरु मिले, ज्येष्ठ गुरु, उनकी और अध्ययन किया, और 32 आगमों का स्वाध्याय किया। ऐसे थे उपाध्याय जी, मुनिधर थे। कहते हैं आचार्य धर्मदास जी महाराज साहब ने धर्म प्रभावना हेतु अपने शिष्य के विचलित होने पर स्वयं ने संथारा ले लिया। इस पर संथारा किया, कोई सोता नहीं था,
परंतु आप धार चतुर्मास के दौरान उपाध्याय पुष्कर मुनि जी वहां उस पट्टे पर सोए, स्वप्न में आचार्य ने दर्शन दिए कि तुम ध्यान साधना करना। किसने दिए? उन आचार्य ने कहा तुम ध्यान साधना करना। तो उनके जीवन में तप योग था, तप ज्यादा करते थे, तप योगी थे, ध्यान योगी थे, स्वाध्याय योगी थे, कर्मठ योगी थे, और जो कुछ वो धार लेते थे वो करते थे, नियम समा पर करते थे, वो उपाध्याय थे। जैन धर्म में पंच परमेष्टि में उपाध्याय का चौथा स्थान। उपाध्याय का अर्थ क्या है? उप अध्ययन, जो अध्ययन के समीप आ गया। किसका अध्ययन करना? किसका अध्ययन करना? स्वय का अध्ययन करना। स्वय यानी आत्मा, तुम एक आत्मा का अध्ययन कर लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हमारे सूत्र में उपाध्याय के 25 गुण होते हैं, 11 अंग 12 उपांग, चरण सत्री कर्ण सत्री, चरण का अर्थ चरित्र, कर्ण का अर्थ क्रिया, क्रिया और आचरण दोनों सज जाए तो उपाध्याय होते हैं। उन्होंने जीवन में जो धारण किया वो तुम लो, कोई अनुष्ठान करो। मैं कहता हूं वो घंटों घंटों जप करते थे एक आसन पर बैठ करके, तुम 15 मिनट अनुष्ठान करो, आज संकल्प लेके जाओ, यदि आप उनका जीवन मनाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में आज कोई संकल्प लेके आज शुरू कर दो। आज जन्म जयंती मना रहे, कम से कम 15 मिनट लोग उसका अनुष्ठान करेंगे। एक अनुष्ठान 15 मिनट से शुरू करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, शील का पालन करो, कंदमूल का त्याग करो, और अपने जीवन में ईमानदारी देखिए। ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हमारे सामने जीती जागती मशाल है। क्या बोला इन्होंने कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं एक अच्छा श्रावक बन जाऊं। क्या तुम्हारे मन में कभी भावना आई? तुम्हारे मन में भावना आई? जो ग्रह मंत्री होते हुए भी क्या मांग रहे हैं? एक अच्छा श्रावक बन जाऊं। क्यों कहते हैं श्रावक? श्रावक बनना, अच्छा श्रावक बनना, उच्च कोटि का श्रावक बनना, ये मोक्ष का द्वार है। ऐसे संस्कार हैं इनके जीवन में, और मैं देखता हूं बहुत पदों पर रहे, इनका जीवन सात्विक सरल उज्जवल पवित्र शुचिता से भरा हुआ है। ऐसे आके बैठ जाते हैं, साधारण आदमी बैठ के आते हैं, कई बार हमारे पास आते हैं, बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, सचमुच आपको देख करके लाल बहादुर शास्त्री की याद आती। कितने ईमानदार थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको अपनी पत्नी को देने के लिए साड़ी भी स्टैंडर्ड की नहीं थी, एक गाड़ी भी नहीं थी, पर वो लाल बहादुर शास्त्री की याद आज सबको आती है। गांधी की याद आती है तो शास्त्री की भी याद आती है। मोदी सरकार आई है, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर लोग उनको भी छोड़ते, बहुत कुछ कहते हैं, कहने दो, सबको कहेंगे। मैं कई बार कहता हूं जब वृक्ष फल फूल से लदा होता है तो पत्थर उसको पड़ते हैं, चोट उसको पड़ती है। क्या लोगों ने महावीर को छोड़ा, बुद्ध को छोड़ा, राम को छोड़ा? कुछ लोग बातें करते हैं, परीक्षा होती है, व्यक्ति आगे निकल जाता। तो हम आज के दिन एक संकल्प जरूर करें, चाहे 24 घंटे बैठे रहो, एक संकल्प 15 मिनट का अनुष्ठान उपाध्याय श्री जी के जन्म जयंती पर करो। हिंदू संस्कृति, देश बचेगा तो गाय बचेगी, यदि गाय कटेगी तो देश कैसे बच सकता है? बस देश में गाय कटनी नहीं चाहिए, देश में रक्षा होनी चाहिए गाय की। कुछ भी करो, मैं मानता हूं अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, पर बहुत कुछ आप लोगों ने किया है। मोदी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बंद किया है, गुजरात सरकार ने बंद किया है, पर कुछ लोग ऐसे अभागे होते हैं जो गाय को काटते हैं। आज के दिन संकल्प करना कि हम एक व्यक्ति एक गाय को बचाने का संकल्प कर ले आज के दिन, तो आपका मंगल ही होगा।
तो आज के दिन हम सब उपाध्याय श्री जी की जयंती मनाने आए हैं। मैं चाहूंगा उनका एक गुण तो ले लो, एक गुण तो ले लो, जो उपाध्याय के भक्त बनते हैं, बहुत भक्त हैं यहां, परंतु गुण ले लें उनका, उनका जप का गुण, तप का गुण, ध्यान का गुण, स्वाध्याय का गुण, मिलने का गुण, प्रेम का गुण। उनमें संप्रदायवाद नहीं था, वो संप्रदाय के पक्ष में नहीं थे, हम उनके साथ रहे हैं। परंतु कुछ लोग जो उनको घेरे में बांधना चाहते कि हमारे उपाध्याय, ये तुम्हारे उपाध्याय कहां से आ गए, हमारे नहीं है, तुमने ठेका ले रखा उनको, तुम्हारे घर के हैं वो। मैं पूछता हूं, हमारे उपाध्याय, तुम्हारे उपाध्याय नहीं, कोई उपाध्याय नवकार मंत्र के चौथे पद में है, पूरे विश्व के हैं वो, तुम क्यों संकीर्ण सीमाओं से घिरे हो। मैं कहता हूं उस महापुरुष को विशाल दृष्टि से देखो। उपाध्याय का अर्थ होता है जो आत्मा का अध्ययन करता है, जो आत्मा भ्रमण करता है, आत्म चिंतन करता है, आत्मा में गोते लगाता है, वो उपाध्याय होता है। तो पूरे भारत के हैं, हमारे हैं, तुम्हारे हैं, सबके हैं। महापुरुष आकाश के भांति स्वच्छ निर्मल होता है, कोई उनके पास आता है, वृक्ष के पास जाओगे, कोई आए कुल्हाड़ी लेके जाए, वृक्ष तो फल देता है, छाया देता है, फूल देता है, लकड़ी देता है, जब वृक्ष सब कुछ देता है वो नहीं देते। शिखर मुझे बरसने लगी ऐसे गुरुवर की। धम्म मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमं संति जसु धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पजामि, अरहन्ते शरणं पजामि, सिद्धे शरणं पजामि, साहु शरणं पजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पजामि। हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा मंगल। जैसे बारिश किरम झिम बरसने लगी ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।